किया, लेकिन महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से उनके जीवन के विविध प्रसंगों को जिस प्रकार से जन जन तक पहुंचाने का काम हुआ है, सच्चे अर्थों में ये बात बिल्कुल अद्भुत है। वाल्मीकि जी के बाद में तुलसी रामायण तक बहुत सारे प्रकार के रामायण हैं और पूरे जीवन के सभी प्रसंगों को रोम रोम तक समाने के। भगवान राम को तो आए और गए में 17 लाख साल हुए, लेकिन 17 लाख साल बाद भी वो घटना ऐसी लगती जैसे कल की बात, उससे सीखने के प्रसंग अभी हाल धारण करो। कितने प्रकार के एक व्यक्ति जीवन से अपने अलग अलग रूप दिखा सकता है, वो केवल श्री राम ही हो सकते जिनने मर्यादा का जो विविध रूप दिया। और हमारा सौभाग्य, सनातन संस्कृति तो हमको भगवान और राम और कृष्ण से जोड़ती, मर्यादा का पाठ, मर्यादा धारण करने के लिए भगवान श्री राम का अलौकिक दिव्य भव्य स्वरूप हमको दिखाई देता और मर्यादा का पालन कराने का अधिकार भी भगवान कृष्ण के माध्यम से, कि कोई मर्यादा तोड़ के देखे भगवान श्री कृष्ण उसको अपने आप में मर्यादा लाने के लिए वो सारे प्रसंग जोड़ते हैं जिनमें वो अपने जीते जी भगवान के रूप में धारण हो जाते हैं, भगवान के रूप में माने जाते हैं। तो मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि अवंतिका वो धाम है जिनने हम सब जानते कि अवंतिका का एक लघु रूप ऐसा भी माना जाता है कि पूरी सृष्टि किसी ने नहीं देखी हो, पूरी पृथ्वी नहीं देखी हो, तो उज्जैन देख ले। उज्जैन में वो लघु रूप में वो सारी चीजें दिखाई देती, जिसके कारण से पूरी पृथ्वी पे दुनिया में 7 सागर, भारत में अपने आप उज्जैन में वो 7 सागर से वो अपने आप ध्यान दिला देते हैं। 84 लाख योनियों का शरीर है, 84 महादेव का मंदिर है, काल की समय की सीमा है हर एक किसी की, जिसने प्राण धारण किए और आने और जाने का काम सबका नियत है, ना कोई पहले ना कोई बाद में, ना उसके हाथ में है आना ना उसके हाथ में। काल की नगरी, महाकाल की नगरी। और ऐसा कहते हैं कि जो आजकल तो फिजिक्स वाले भी मानते हैं कि हमारे इस GPS एक नया यंत्र बना जिसके माध्यम से पृथ्वी 23.26 अंश से झुकी हुई है, वो GPS रख के देखो तो अपने आप। जनार्दन नेगी बहुत बड़े वैज्ञानिक है, उन्हें जियोग्राफी की दृष्टि से जब यह यंत्र आया और अभी उनको बताया कि डोंगला नामक स्थान पे वो केंद्र थोड़ा समय के साथ खसक गया, तो उज्जैन से 70 किलोमीटर के रेडियस में आता जाता है, लेकिन सेंटर पॉइंट निकालने के लिए GPS लगाओ तो तुरंत ध्यान में आ जाता है। जैसे हमने GPS लगाया वो डोंगला नामक स्थान पर, वाखणकर जी ने वो स्थान पंडित पुरुषोत्तम जोशी जी के माध्यम से खोजा था, तो उन्होंने कहा ये यहाँ कैसे दिख गया, और ये आप लोगों ने यंत्र बने को 15-20 साल हो गए, लेकिन ये वेदशाला बने को तो 30-35 साल हो गए, आप लोगों ने कैसे खोज लिया। हमने कहा हमने नहीं खोजा, एक नारायण नाम धाम है पास में ही आओ, और नारायण वो धाम है जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा ने 5000 साल पहले भी जा करके वो एक तरह से उस केंद्र की खोज सांदीपनि आश्रम के माध्यम से की। तो ये जो हमारा प्राचीन ज्ञान है उस ज्ञान के आधुनिक यंत्रों से आज पुष्टि कर रहे हैं, ये उसी प्रकार से जैसे 5100 साल पहले भेद द्वारका, द्वारका का डूबी हुई रूप वहां दिखाई देता है। अब नासा आज कार्बन डेटिंग पद्धति से उसकी आयु की गणना करके बताती है कहां ये घटना हुई थी और ये उसके अवशेष, जैसे उसी प्रकार से जैसे हमको राम सेतु के अवशेष मिलते हैं उसको भी नासा बताता। ये कपोल कल्पित घटना बताने वालों को उनको आईना दिखाने का काम करती है हमारी सारी ऐतिहासिक घटनाएं, और ये प्राचीन ज्ञान विज्ञान की इतनी सरिता है। आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा जिनके संकल्प शक्ति के बाद भगवान राम के उस निर्णय को अग्रता, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय तो पहले भी किए थे, 3 तलाक का निर्णय हमारे सबके सामने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था कि 3 तलाक के आधार पर फैसला दिया जाता है, लेकिन लागू करने वाली सत्ता के ऊपर चलाने वाले, नियंत्रण करने वाली सरकार में क्या हल हुए हमको मालूम है, उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल दिया गया। लेकिन अब आपने बीच में वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री जो लोकतंत्र को गौरवित कर रहे हैं और सच्चे अर्थों में उस लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति का भी सदुपयोग करके, लोकतंत्र में निर्णय होता है और निर्णय को लागू कराने का दम भी चाहिए, और हमको मालूम है 56 इंच वाले का दम कितना होता है, कैसा एहसास कराता है। और ये वो घटनाक्रम है